अमेठी कांग्रेस कार्यालय परिसर में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व पदाधिकारी अखिलेश शुक्ला के मध्य मामूली बात को लेकर हुई मारपीट के बाद मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां पर कल देर शाम मारपीट होने के बाद अखिलेश शुक्ला ने अमेठी कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी और कांग्रेस पार्टी के अमेठी जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल और यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम सिंह सहित चार नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। उसके बाद यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम सिंह भी देर रात अमेठी कोतवाली पहुंचे और उन्होंने बताया कि अखिलेश शुक्ला ने मेरे साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो भी उन्होंने दिखाया और कहीं ना कहीं उनके पीठ पर चोट के निशान भी देखे गए। आप भी देख सकते हैं कि उनकी पीठ पर यह चोट के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने लगातार अपनी ओर से मुकदमा पंजीकृत करने के लिए अमेठी पुलिस से तहरीर देकर निवेदन किया, लेकिन अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अमेठी पुलिस दोनों ओर से मुकदमा क्रॉस मुकदमा करके मामले की जांच करती है अथवा केवल एक तरफ से ही मुकदमा पंजीकृत कर मामले को रफा दफा करती है। मुकदमा पंजीकृत न होने पर शुभम सिंह ने कहा कि मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और उच्चाधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। शुभम सिंह है, मैं युवा कांग्रेस का जिला। क्या घटना घटी आज? घटना ये घटी कि मीटिंग के दौरान मैं अपने सभी पदाधिकारियों के साथ कार्यालय से बाहर आ रहा था, अचानक हमारे ऊपर हमले हो जाते हैं। हमले इस तरीके से होते हैं कि हमें जिम्मेदारी क्यों नहीं देते हो, हमें क्यों इग्नोर कर रहे हो, मुझे मतलब पूरे तरीके से हमें अज्ञात दो तीन लोगों के साथ हमारे ऊपर हमले कर देते हैं। हमारे काफ़ी चोट भी लगी है, आपको वीडियो के माध्यम से भेज देंगे हम। जिस तरीके से ये अमेठी युवा कांग्रेस के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये बहुत गलत है। हमारे तमाम पदाधिकारियों के ऊपर मुकदमे भी लिख दिए जाते हैं। किसने मारा? ये अखिलेश शुक्ला बरियापुर के हैं, उनके द्वारा हमारे ऊपर हमले किए जाते हैं, हमको मारा जाता है, हमारे प्रताड़ित किया जाता है। मैं कोतवाली में तहरीर देने के लिए उपस्थित हूँ। राती से मैं 10:30 बजे यहाँ आया, यहाँ तहरीर दिया, लेकिन उनके तरफ से FIR लिखा जाता है, हमारे तरफ से कोई यहाँ पे FIR नहीं किया गया, मतलब FIR नहीं कर होने दे रहे हैं। भाई ये यूथ कांग्रेस के तमाम साथियों के साथ हम आज यहाँ आए हुए हैं, जो गलत तरीके से फंसे हैं उनको भी, उनके ऊपर भी मुकदमे लादे हैं, लेकिन कोई जांच का विषय अभी तक नहीं हुआ है और हमारे तमाम साथियों को गलत फंसाया जा रहा है और हमारा कोई यहाँ पे हमारे लिए कोई न्याय नहीं सुना जा रहा है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, जो आला कमान के सीनियर लोग हैं, जो ऊपर अधिकारी हैं, उनसे मांग करता हूँ कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। क्या बोले आपके साथ जवाब एप्लीकेशन लगाए थे? अभी हमको ये बोले कि कोई यहाँ कोई सुनवाई हमारा कोई नहीं कर रहा है यहाँ प्रशासन। अमेठी पुलिस के माध्यम से हम तहरीर दिए हैं, मैं बयानबाजी भी जारी कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार की कोई मदद हमारा नहीं किया जा रहा, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।